हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू R4Tech यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे 3D शेप्स को पावर पॉइंट में बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पावर पॉइंट ओपन करना होगा। और यहाँ पर मैं कुछ शेप्स लूँगी जिनको मैं 3D में कन्वर्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ स्क्वायर शेप। इस स्क्वायर से हम कैसे 3D बना सकते हैं हम ये देखेंगे। मैं नेक्स्ट शेप लूँगी ट्रायंगल शेप। ट्रायंगल में भी हमें सेम वही काम करना है कि हम इसे कैसे 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं ये देखना है। और मैं नेक्स्ट लूँगी सर्कल। पहले मैं इनको थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ एक जैसा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसे कॉपी करके एक पेस्ट कर लूँगी सेम इमेज को। और इसके बाद इसमें राइट क्लिक करके फॉर्मेट शेप में जाएंगे। तो जब फॉर्मेट शेप में जाएंगे तो हमें दो ऑप्शन दिखेंगे, शेप का और टेक्स्ट का। तो सिंस हमारे पास शेप है ये, तो हम शेप के ऑप्शन चूज़ करेंगे ताकि इसमें चेंज होगा। तो जब सेकंड में देखते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस आते हैं 3D रोटेशन एंड 3D फॉर्मेट। तो सबसे पहले हम रोटेशन चेंज कर लेते हैं ताकि हम जो भी चेंजेस करेंगे वो हमें विजिबल होगा। और 3D जब फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि एक डेप्थ का ऑप्शन होता है। उस डेप्थ में अगर हम उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ा देंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी थिकनेस बढ़ती जा रही है, मतलब वो 3D में कन्वर्ट होता जा रहा है। आप या इवन ये कह सकते हो कि अगर आपने स्क्वायर शेप लिया है और जो आपकी जो लेंथ विड्थ है अगर आप ऑलमोस्ट उसी इक्वल उसकी जो डेप्थ है वो कर देते हैं तो ये आपका क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंस मैंने वो रेशियो मैनेज नहीं किया है तो इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं क्यूब में कन्वर्ट करना 2D से तो वो आप इजीली कर सकते हैं उस जो डेप्थ है उसकी साइज़ को वेरी करके। तो यहाँ पर अब हम एक बार इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देती हूँ ताकि हमें जो अलग अलग शेप्स के अलग अलग 3D शेप्स दिखेंगे वो विजिबल ईजिली रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें ग्रीन कलर सेट कर देती हूँ। जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें आप अगर फिल देखेंगे तो फिल से आप ना अपने जो ऑब्जेक्ट है या जो भी इमेज है उसमें कलर चेंज कर सकते हैं। तो आप देखिए मैंने सॉलिड फिल चूज़ कर रखा है, वहाँ से मैं कलर चेंज कर दे रही हूँ। अब मैं इसको अगेन कॉपी करके पेस्ट करके दूसरा शेप में कन्वर्ट करूँगी तो प्रोसेस वही रहेगी सेम। अगेन मैं इसका रोटेशन चेंज कर दूंगी ताकि हमें इसकी विजिबिलिटी क्लियर हो। और अब की बार हम लोग डेप्थ में कोई चेंज नहीं करेंगे, अब हम चेंज करेंगे इसके जो टॉप जो लेयर है वो दिखने में कैसी दिखनी चाहिए। तो हमने उसे चूज़ कर लिया है। नाउ अब आप देखेंगे अगर हाइट बढ़ाएंगे तो इसकी जो हाइट है ऑब्जेक्ट की वो इंक्रीज़ होती जा रही है। ये जो शेप की हमने लिया उसकी हाइट इंक्रीज़ होती जा रही है। और अगर विड्थ इंक्रीज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि जो इसका टॉप लेयर थी वो धीरे धीरे कंप्रेस होते होते एक पॉइंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये हमने पिरामिड टाइप बना दिया है। तो ये कंट्रोल करने की फैसिलिटी भी पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट आपको देता है। अगर आप इसको चाहें या आपके अगर आपके दिमाग में कोई इमेज है जो आप बनाना चाहते हैं 3D में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये सारे फीचर्स यूज़ करके आप नॉर्मल एक 2D इमेज को या 2D ऑब्जेक्ट को या 2D शेप को आप उसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ से आप देखिए डिफरेंट डिफरेंट रोटेशन से मैं थोड़ा सा वो चेंज कर देती हूँ ताकि इसकी विजिबिलिटी हमें क्लियर हो। तो आप अगर देखेंगे तो उसमें मैं बटन से भी क्लिक करी हूँ, यहाँ से भी एक्स बाय जेड तीनों डायरेक्शन से वहाँ से आप इसे रोटेशन कर सकते हैं। सो अब मैं ट्रायंगल के ऊपर सेम प्रोसेस करूँगी। मैंने इसका कलर रेड कर दिया है। सिंस मुझे इसके लिए भी सेम प्रोसेस करना है तो मैं इसकी थोड़ा जो वीडियो है इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देती हूँ। आपको करना कुछ नहीं है, जो चीज़ हमने स्क्वायर के लिए किया था सेम वही चीज़ हमें ट्रायंगल के लिए करना होगा।
आप देख रहे हैं कि कितना इजीली हम इसे कन्वर्ट कर सक रहे हैं। अगर बस इसके लिए आपको थोड़ा सा पावर पॉइंट के नॉलेज की ज़रूरत है, अगर आप इसे यूज़ करते रहते हैं तो आप इजीली ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। पावर पॉइंट में और भी बहुत बहुत डिफरेंट तरीके के ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड मैंने लिया है सर्कल, सर्कल का मैंने कलर बैंगनी कर दिया है। और सर्कल से हम 3D इमेज बना सकते हैं। फर्स्ट आप देखिएगा कि जैसे मैंने ये लिया है तो सिंपल मैं इसकी हाइट बढ़ा दूंगी और मैं कुछ भी नहीं करूंगी। जो इसका डेप्थ ऑप्शन था सेम प्रोसेस वही रहेगा, कुछ भी नहीं है। जो इसका डेप्थ ऑप्शन था तो मैंने उसको वो बढ़ा दिया, तो ये आपका एक तरीके से आप कह सकते हैं सिलेंडर फॉर्म में ये क्रिएट हो जाता है। देखिए ये हमारा एक सिलेंडर बन गया है। अगेन कॉपी पेस्ट करके अब मैं इसको कोन में कन्वर्ट करूंगी। तो फर्स्ट इसका रोटेशन हम चेंज करेंगे एंड देन सेम उसका विड्थ और हाइट हम चेंज करके इसको जो सर्कल है इसको कोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये इजीली एक कोन में कन्वर्ट हो गया है। तो ये दो 3D ऑब्जेक्ट हमारे बन गए हैं सर्कल से। अब आप देखेंगे कि सर्कल से हम एक तीसरा ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्फीयर। तो अगेन सेम प्रोसेस, इसको कॉपी करके पेस्ट हम कर लेंगे और इसका सेम रोटेशन भी हमें चेंज करना होगा। और अगर अब इसमें हमें इसमें टॉप और बॉटम दोनों साइड पे हमें ये जो ओवल टाइप में जो ऑप्शन है हमें वो चूज़ करना होगा, तो वो हमने चूज़ कर लिया है। और जब यहाँ से हम विड्थ हाइट अगर सेम दे देंगे, सेम मान लीजिए अगर मैंने पहले रोटेशन चेंज कर देते हैं, अगर मान लीजिए मैंने 50 दिया है हाइट, तो अगर मैं इसकी विड्थ भी 50 कर दूं और बॉटम साइड भी मैं कर दूं तो ये इक्वल मतलब एकदम एक ही साइज़ का स्फीयर होगा। इसमें थोड़ा सा भी चेंज होगा, आप कह सकते हैं कि डायमीटर और रेडियस इसका एक ही जैसा होगा, आपका स्फीयर परफेक्ट स्फीयर बनेगा। तो इसके लिए आपको ये वैल्यू सारी सेम रखना होगा। आप देख सकते हैं अगर आप ये वैल्यू डिफरेंट कर देंगे तो आपका स्फीयर एग्जैक्टली स्फेरिक शेप में नहीं आएगा। तो यहाँ से हमने 3D रोटेशन चेंज कर दिया और ये स्फीयर बन गया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, हमारे वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें सो दैट